नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों, अब ये बात दूसरी तरफ जा रही है, मगर चूंकि बहरहाल नज़ला तो उसी पर गिरा, गरीब पे उसकी हुकूमत चल रही थी चाहे वो कोई भी हो। गरीब कोई नहीं, हाँ गरीब कोई भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, वो सब बदमाश हैं पले दर्जे के, मैं ये नहीं कह रहा। ये पले ही GHQ में है, देखिए ना, ये भी पले वहीं पर ही है। आफ्टर फिफ्थ कब आया पहला अयूब खां का, अयूब खां का रेवोल्यूशन आया था 58। जी जी 58 के बाद से तो हर चीज वहीं से निकली है, रूम हमारा वहीं पर वहीं पे है। तो अब हम डिलीवरी रूम को तो कुछ नहीं कर सकते ना, जब तक डिलीवरी रूम में आप जाना बंद नहीं करेंगे, बच्चे खराब बच्चे पैदा करना बंद नहीं करेंगे, तो ये तो अवाम पे होता है ना। नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दे रही थी कि वो मुंबई में जो हादसा हुआ है, जो हुआ था उसमें उसके हवाले से इनका कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट आ गया था कि उसमें पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व थे। भाई ये तो वहाँ पे जो सिलसिले चले हैं उनका बस नहीं चला, उसको हैंग कर दें, उनका बस ना चले, मगर पॉइंट ये है कि आज किसी में ये जुरत आ गई है कि ये बात कहे। देखिए इसमें अगर गलत भी है तो इसमें कौन सा क्लॉज लगाएंगे आप, आप तो लगा देंगे जो सभी नहीं, मगर मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, जैसा सॉरी टू इंटरप्ट, देखिए मैं हूँ नवाज शरीफ फॉर एग्जांपल और आप हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, और आपने मुझे निकाल बाहर किया, मैं कहता हूँ कि बॉम्बे के अटैक में फला लोग शामिल थे, अब मुझे कोई चैलेंज करे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा ट्रायल हो, मेरा वकील मेरे बारे में बात करे, आपका वकील आपके बारे में बात करे, फिर आपके पास है ना फैसला। बिल्कुल सही है हमारा, यानी जज अल्ताफ हुसैन कह रहा है मुर्दाबाद, मैं कहता हूँ अल्ताफ साहब तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, जरा अदालत में आओ, देयर शुड बी समथिंग डायलॉग बिटवीन टू, दैट्स हाउ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वर्क्स। एब्सोल्युटली यू आर राइट, आप थप से मोहर लगा दें, ये तो SHO बने हुए चीफ जस्टिस साहब, तो चीफ जस्टिस साहब के पास जो इतनी तगड़म वाली जो टार्जन बन जाएंगे, तो उससे जो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंच रहा है, जो उससे पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, वो क्या होगा उसका? नहीं देखिए उनको तो मिला ही टूटा फूटा स्ट्रक्चर है, ये तो पैदावार ही उसे डिमोलिश्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की गलियों से निकल के आ रहे हैं सब, इन बेचारों को क्या कहना, मतलब देखिए किसी पे इल्जाम नहीं दे सकते। इस वक्त स्टेट की हालत ये है कि देर इज नो सब्सटेंस इन द स्टेट। देखिए स्टेट किसी बुनियाद पे बनती है, जैसे 47 में कह रहे हैं तो स्टेट बनी थी, थिंग्स वाज वर्किंग ऑल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनने के करीब था, पास होने के करीब था कि मार्शल लॉ लगा दिया। अब इस डिटेल में हम नहीं जाते, मगर अगर उस तरह से चलता रहता सिस्टम तो असेंबली ही के थ्रू चीज़ें होती रहती, मगर फिर उसमें कभी दूसरी दफ़ा रखिएगा कि जावेद जब्बार की उस किताब की बुनियाद करते हुए कि द वेरी स्टेट द अननेचुरल स्टेट एंड अननेचुरल डेस्टिनी। अब कभी कभी उस पर गौर करना पड़ता है कि भाई कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं रह गए, जिस पे अब काफ़ी समझ में आता है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को एमेंड होना सर्जरी से ही होता है, और फिर वो जो असल ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ तो सर्जरी बहुत पहले हो गई। तो अब जो ये था इसको उस के सबक की रोशनी में अच्छी तरह से एक डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट के डेवलप इस्लामिक स्टेट के तहत, तो फिर ना ये इस्लाम या तो कर दो इस्लामिक जैसे सऊदी अरब की, ना इस्लामिक है ना सेकुलर है ना कुछ है, तो अब ना कॉन्स्टिट्यूशन कहने को है ना कोई कहीं पे नहीं है, नज़र ही नहीं आ, तो एवरीथिंग इज़ कन्फ्यूज। यानी ना नवाज शरीफ साहब कुछ भी करें मगर ही इज़ ऑल्सो अ वेरी मच पार्ट ऑफ द डिमोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये है कि इस वक्त तो इस वजह से उसके असरात नहीं होंगे, तो अब ये चीज़ मेरी दानिश में उस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में बैठ गई है कि जिधर एक स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन हाकेगा उसी तरफ जाएंगे। अब क्योंकि कोई आइडियल नहीं रहा ना कि इस तरह से करना है, कुछ समझ में नहीं है लोगों को। लोग तो आज भी जब मैं पढ़ता हूँ इतना अफसोस होता है कि वेर एट वन टाइम पाकिस्तान वॉज कमिंग इन अ डेवलपिंग स्टेट, अच्छा खासा यानी बहुत पीछे थे, बल्कि इंडिया तक को थोड़ा सा ये होता था कि पाकिस्तान इज़ गोइंग। अब वो फ्रॉम डाउन बिलो 10 स्टेट्स में आप छठे नंबर पे, एंड यू हैव अ 10th यानी विद इन द लार्जेस्ट आर्मी, 6th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, वो भी ठीक है अगर भाई, मगर हम इकोनॉमिकली बॉटम से विद इन 10 स्टेट्स जो हैं उसके अंदर हैं, और आर्मी हमारी वर्ल्ड में 6th स्टेज पे है, तो अगर यही डिलीवर कर दे तो क्यों नहीं लोग पूछेंगे। मगर वहाँ से भी मुशर्रफ साहब भी आए, फला भी आए, अगर डिलीवर हो जाते तो इन्हीं को लोग पूछते। पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली इन 70 ईयर्स
तो 71 में तो असली पाकिस्तान तो निकल गया, विच हैड वोटेड फॉर 90% फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे तो बलूचिस्तान नेवर एक्सीडेड टू पाकिस्तान, इधर फाटा के एरिया में तो कोई इलेक्शन वगैरह होते ही नहीं, सिंध में। हाँ, थोड़ी सी बात मैं और अभी करना चाहता हूँ, मेरे पास भी 10-12 मिनट और हैं। तो एक तो जुडिशरी मिलिट्री नेक्सस की इन्होंने बात की, लेकिन उससे कुछ अरसे पहले तक, जब तक जुडिशरी इतनी ताकत के साथ सामने नहीं आई थी, तो मिलिट्री मॉस्क का स्ट्रक्चर वो भी नेक्सस था। तो मिलिट्री मॉस्क एंड जुडिशरी, नाउ दिस इज द थर्ड ट्राइंगल नाउ, कि अब पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ नज़र आती है, जैसा कि ये आर्टिकल्स में पब्लिश हो रहा है। नाज़रीन कराम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया भर में छप रहा है, और दुनिया भर में छप रहा है तो यकीनन इस ये नज़रों से गुजर रहा है, जुडिशरी के भी और मिलिट्री के भी और पार्लियामेंट के भी और हर उस शख्स के जो दुनिया भर में ग्लोबल वर्ल्ड है, सब पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं? मेरे को शॉर्ट ब्रेक पे जाना पड़ेगा, मैं शॉर्ट ब्रेक के बाद आकर बात कर लूँगा। मेरे पास ये दो मौजूदात हैं सब अहम, एक तो यही कि जुडिशरी, मिलिट्री और मॉस्क का जो ट्राइंगल है, ये क्या किस तरह से ये तीनों पैरेलल होकर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, और किस तरह से इससे पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट्री निज़ाम को नुकसान पहुंच रहा है। एक तो ये बात है, आप बात कर चुके हैं, मगर बहरहाल रिपीटेशन ज़रूरी है ताकि समझ में आए, क्योंकि हमने कई एक एग्जांपल नज़र आई पीछे, और फिर हम आगे एक बात ज़रूर देख लेंगे कि आई मीन अगर यही कल्चर डेवलप हो रहा है जैसा कि इनके आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ है, तो फिर कोई भी सिलसिला जो है वो किस हद तक इस सिस्टम को बचा सकेगा। तो फिर इस पर खुलकर गुफ्तगू हो जानी चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं आगे, क्या हमें कहने वाले ये भी कहते हैं, मैं क्या कहूँ कि ये मिलिट्री थी जिसने इमरान, यानी ये वही नई बर्थ थी कि इमरान खान और खादरी की शक्ल में कि उनको पॉलिश किया गया इमरान खान को, क्योंकि उनका जरा बैकग्राउंड थोड़ा सा प्लेबॉय वाला था, तो उनको एक मजहबी आदमी के साथ मिलाया गया और एक उनके दो रुख बनाए गए, और फिर नवाज शरीफ के खिलाफ पहला स्ट्रोक जो जिन्होंने क्रिकेट का बॉल मारी थी वो इन्हीं के लोगों ने मारी थी, इस तरह से हुआ था। लेकिन फिर हम बाद में देखते हैं जुडिशरी लाई गई सामने और यूँ नवाज शरीफ को उठा के फेंक दिया गया, लेकिन इट इज़ पंजाब वर्सेज पंजाब टू, सो वो हलक में फंस सकता है, तो वो एक भुट्टो की तरह नहीं कि सॉल्व हो जाए, तो वो एक अलग तरफ चल जाएगी भैंस, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें अगले। अब अगर इस वक्त तक की गुफ्तगू को देख कर जाए साहब, हम ज़रा सोचें तो हमें लगता है कि ये जो मौजूदात हैं और जो डॉक्टर खैसर राशिद साहब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, और ये जो आर्टिकल है इसमें जो कुछ भी दिया गया है, इट्स मोर काइंड ऑफ अ टेक्स्ट बुक और इट्स मोर लाइक एन एकेडमिक, लेकिन ये रियल वर्ल्ड से थोड़ा मुझे मामला परे लगते हैं। रियल वर्ल्ड बड़ा ही क्रूड है। बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बिल्कुल परे, बिल्कुल परे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए सरका देते हैं इस आर्टिकल को, और अब जरा से खुलकर इस मौजू पर गुफ्तगू कर लेते हैं कि मिलिट्री, मॉस्क और जुडिशरी का जो अलाइनमेंट था वो जो नया नेक्स्ट स्टेप है, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट स्टेप अब आया है, यानी जुडिशरी शामिल अब हुई है मिलिट्री के साथ, जैसा कि इन्होंने इंप्रेशन दिया और जैसा कि एक ओपिनियन डेवलप हो रहा है। तो आप इसको किस हद तक देख रहे हैं कि इस चंगल में, ये जो बिल्कुल तो चिंगल ही है बाजाबता, अब इसके अंदर से कॉन्स्टिट्यूशन फंस जाएगा अच्छी तरह से, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कॉन्स्टिट्यूशन तो से तो बाहर है नहीं चीज़ें, पार्लियामेंट और ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही जीरो है। बिल्कुल सही है। आप तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो कुछ भी सिलसिला डेवलप हो रहा है ये अब हमें किस कॉर्नर पर लेके जाएगा? वो तो कॉर्नर ही नहीं दिख रहा चीज़ें गोल हो गई, निशानदेही होती है ना किसी कॉर्नर की, कि अब इतने वाकयात के बाद लाग ढूंढे तो पता लगा वो सर्किल में फिर वही पहुंचे हुए, देर इज नो कॉर्नर ना, इट इज लाइक अ होपलेस सिचुएशन। होपलेस सिचुएशन इस तरह से है कि किसी फिल्म में भी देखा था कि किसी रोजे हशर है या कैटास्ट्रोफ है, एन इन सर्किल ह्यूज क्राउड इज सर्किलिंग, जहाँ से जा रहे हैं वहीं आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, वो बस परेशान है और घूम रहे हैं। पता नहीं कौन सी पिक्चर थी उसमें वो मेरे जहन में घूम जाती है कि इस वक्त पाकिस्तान का आलम ये है कि समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ से, वेयर इज द सेल्फ रिस्पेक्ट। चलिए मैं ये बात करूं, जुडिशरी अपनी रिस्पेक्ट को दे सोच रही है नहीं सोच रही है, ये वो बात आगे निकल गई। एक जमाने में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इज्जत हतक जिसे उर्दू में कहते हैं, इसके दावे काफी आते थे, अब जिसके सामने जाके ये दावा करते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं रही है। आप एज ए बैरिस्टर ये बात कर रहे हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर और सुप्रीम कोर्ट का वाइस प्रेसिडेंट, आई हैव सीन द मूवमेंट्स फ्रॉम वेरी नियर, आई हैव सीन दिस जजेस फ्रॉम वेरी नियर। हमारे पास बैठे हुए वो अफराद जिनको हम अपने पास ना बिठाएं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने हैं, बिसाइड्स दैट नॉट बीइंग पर्सनल, भले बने, मतलब आप अपने डिसिप्लिन के हवाले से बात कर रहे हैं, हम अपने डिसिप्लिन, ये मीनिंगलेस होता जा रहा है, हो गया है, हो गया है। क्योंकि जज अगर आप सड़क पे चलते हुए बंदे को ही बिठा देंगे तो वहाँ का मुंशी आपको किताब से लॉ बता देगा, यू विल गिव बेटर जजमेंट इफ यू लेट दिस इंस्टीट्यूशन वर्क, बिकॉज वी आर देयर टू टीच देम इन द सेंस इन आर्गूमेंट्स इन प्रेजेंटिंग द केस, वी टेल द लॉज।
जज के लिए, अच्छे जज के लिए कहावत यही है कि थिंक हिम ही डजंट नो एनीथिंग, और वहाँ फिर आप अपने आर्गुमेंट्स में लॉ कोट करके अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, वो भी जाहिर है नॉलेजेबल होगा, दूसरा अपना करता है, बट जज का ये होता है कि ही डजंट नो एनीथिंग, नाउ यू टेल मी अबाउट, नाउ अपोजिशन वाला फिर उसका अपोजिशन, देन द जजमेंट आते हैं। अब आप जजमेंट देख रहे हैं, ये तो अंग्रेज के दौर के या शुरू के पार्टीशन के दौर के, तो ये जो मजिस्ट्रेट और सिविल जजेज होते थे उनसे बदतर हैं। पिछले दिनों जो वाक़ा हुआ था जिसमें इस्लामाबाद में पूरी पूरी एक रैली नज़र आई थी, और उसके बाद हमने देखा था कि वो मज़हबी लोगों ने मिलिटेंट, और जो मॉस्क है उसका अलाइनमेंट भी देख रहा हूँ जुडिशरी का भी, तो उसमें भी हमने देखा कि वो पैसे बटे बाज़ाब्ता, वो तो वेरी पूरी दिख रहा है, दुनिया देख रहे थे और कौन बांट रहा है वो भी दिख रहा था। अब इस हवाले से इस माशरे में हम क्या बात कर रहे हैं, ये दुनिया के किसी कोने में डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेटिक हो, इसकी हल्की सी झलक दिखाइए। लेट्स कम टू द फ्यूचर देन, थोड़ा बहुत जो भी आप हंसेंगे कि फ्यूचर काय का फ्यूचर आया, फ्यूचर तो है ही नहीं, फ्यूचर तो जब होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो फ्यूचर शुरू होता है उसका, फिर वो फ्यूचर पास्ट में बन जाता है, फिर फ्यूचर, फिर अल्टीमेटली फ्यूचर खत्म, दैट्स ऑल, बट देयर इज नो काइंड ऑफ लाइक यू नो, तो लेट्स, बिकॉज सिस्टम को तो चलना है, दुनिया को तो मुंह दिखाना है ना, तो इलेक्शन तो होंगे 2018 में, कल आपकी एक नई हुकूमत आती है, अब आप एक नई शक्ल में शामिल होते हैं, लेकिन आपने ये राइट्स दिए हुए हैं क्योंकि ये हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, और ये हिस्ट्री जब जब रिपीट होगी तो ये पार्लियामेंट या डेमोक्रेटिक इदारे या पॉलिटिकल इदारे जो भी सो कॉल्ड हैं हमारे, वो अपने आप को क्या सिक्योर महसूस कर रहे हैं इस सारे एग्जाम्पल से, वो व्हाट दे आर लर्निंग, लेट्स गो विद दैट, अपने सेल्फिश एनवायरनमेंट में जो कुछ भी उनके अपने सेल्फिश गोल हैं, वजीर आजम बनने का किसी का ख्वाब है, सबके अपने छोटे बड़े ख्वाब हैं ना हमारे मुल्क में, तो सब सुबह सुबह उठते हैं तो समझते हैं वजीर आजम बन गए उस मुल्क के, तो वो जो ख्वाब पूरा करना चाह रहे हैं, अपने सेल्फिश ड्रीम्स पूरा करना चाह रहे हैं, और एक आवाम को उन्होंने अफीम खिलाई भी है जिनको कुछ समझ में नहीं आता, बस वो नारे लगाते रहते हैं, कभी मिलिट्री के हक में, कभी रिलीजन के हक में, कभी इस्लाम जिंदाबाद, कभी यू नो, तो वो पॉलिटिकल इदारे स्पेशली, इदारे को भी भूल जाइए, मुझे पता है आप कहेंगे कौन सा इदारा, पॉलिटिकल लीडर्स को कर लीजिए, बलावल साहब का मुस्तकबिल हो या इन सब लोगों का क्या मुस्तकबिल है उस सिस्टम के अंदर, इनका कोई मुस्तकबिल का एम ही नहीं है, इनका एक है कि आप बने हुए लूटमार करनी है और निकलना, बल निकलना भी नहीं है, अगर इसी तरह चलते रहे तो लूटमार करते रहे। अच्छा, इट्स अ काइंड ऑफ अ केक, और इनका भी कसूर नहीं है, देखिए ना किसी स्टेज में किसी की भी वजह से, बहरहाल जो सबसे तगड़ा इंस्टीट्यूशन होता है उसकी तरफ जरूर नजरें उठती हैं कि दे शुड हैव, जिस स्टेट में कोई लॉ की पासदारी ना हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एज सच इज लाइक अ, बल्कि जियाउल हक ने शायद कहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जब हुई हैं तो किसी ने कहा व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ पीस ऑफ पेपर, आई कैन टीयर इट आउट एंड थ्रो इट आउट ऑफ माई विंडो। अब इस इंटेंशन के बाद, और उसके बाद ही डिड द सेम, बिल्कुल यही किया, और अब उसके असरात कॉन्सिक्वेंसेस, तो और फिर दूसरी तरफ व्हाई ब्लेम जियाउल हक, व्हाई नॉट अस, व्हाई नॉट पीपल, यू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेड तो वो चलता है, बल्कि आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के निकलने पे, डेमोक्रेटिक लीडर के फांसी लगने के ऊपर, व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन, देखिए ना आप एक पहले सिस्टम इवॉल्व करते हैं, गोरे ने पहले तो कब्जा किया, जो भी किया ये करने के बाद, फिर आई स्टिल रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे गेव अवे व्हेन दे वेंट अवे अ सिस्टम, वो डेमोक्रेटिक हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, सारे लॉज, कैन यू इमेजिन कि आप मुझे अमेरिका के कनाडा के कोई सा लॉ दिखा दें जो 5-10 साल से पहले का हो, यानी तरामीम असेंबली के थ्रू होती रहती हैं, हालात के थ्रू नए डेवलपमेंट हुए उसके अंदर सर जोड़ के बैठेंगे इलेक्टेड मेंबर्स और उसमें तरमीम करेंगे, दिस इज़ हाउ द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस गोज ऑन, और वो उनका जॉब वहीं ख़त्म हो गई, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर्स करेंगे। हमारे यहाँ तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ए नवाब, और वो भी 18th सेंचुरी का, आप आज तक क्रिमिनल एक्ट ऑफ 18 फला ईयर, इसी तरह से सारे एक्ट को तो आज आप 2014 नहीं कर पाए, आप उस जमाने के उस एक्ट को, क्रिमिनल प्रोसीजर हर चीज उस वक्त की, आप एक देखें जैसा जो बातें हम आप यहाँ शायद बैठे कर ले रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान में स्पेशली अब तो जनरली एंटी जुडिशरी, आप बस एक्सप्रेशन के मैं देखता हूँ कि कितना जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, खबरें वगैरह में देखता रहता हूँ मैं कि वो कितना मोहतात होकर जुडिशरी के लिए बात करते हैं, इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी,
क्योंकि वो डरे हुए हैं अंदर से, इनसिक्योर है कि उनके मुंह से कोई उल्टी सीधी बात ना निकल जाए। ये वही हालात हैं जो रिलीजन के हवाले से हो सकता है कि हमारे मुंह से कोई नाउजिबल्ला कोई बात ऐसी ना निकल जाए जो किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट वो बन जाए। तो वो हालात इस वक्त वहाँ आ गए। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कभी कोई मुँह नहीं खुला आज तक, लेकिन अब सारी दुनिया में खुल गया है, हर जगह पेपर छप रहे हैं, हर जगह यूट्यूब इधर उधर खुल कर आ गई सब चीज़ें। तो आप किसका गिरेबान पकड़ेंगे? मैं अपना खुद का गिरेबान पकड़ूंगा। ये इंस्टीट्यूशन हमारे बनाए होते हैं यानी अवाम के। अब अवाम की एजुकेशन आपने ऐसी की है कि इट इज़ नॉट नो मोर अ एजुकेटेड और लिटिल समझदार पब्लिक, इट्स अ क्राउड। एक फिल्म देखी थी जिसमें पता नहीं रोज़े हशर दिखा रहे हैं कि एक क्राउड है एंड इन सर्कल्स घूम रहा, दे हैव नो सेंस। मुल्ला ने आवाज़ लगा दी, उधर चले गए। यानी आपके पास, किसी के पास, इवन आई विल ब्लेम फॉर माई प्रोफेशन ऑल्सो, दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन। बड़ी लॉयर मूवमेंट में हमने भी बड़े नारे मारे, ये मारे कि भाई अब जुडिशरी सही होगी। बाद में एहसास हुआ कि दिस वॉज ऑल प्रॉम्प्टेड। जिस तरह से एकदम से वो सारा जोश, वही नवाज शरीफ भी लीड कर रहे थे, हम समझ रहे थे कि अब वो मुशर्रफ जा रहा है, वो जा, फुस हो गया। सुबह उठे तो कोई मजमे का 5 अफराद भी नहीं रहे। ये मजमा जब इस तरह लग सकता है अगेंस्ट द टॉप डिक्टेटर ऑफ वट एवर, तो ये इन फेवर ऑफ ये वी वाई डोंट वी ब्लेम अस।